क्या डीएसए अब रेलिवेंट है, हमें डीएसए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डीएसए ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। मन डेवलपर्स, वेब डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, मोबाइल डेवलपर, ऑलमोस्ट हर एक टाइप के इंटरव्यूज में आपके इनिशियल राउंड डीएसए के होंगे। मैं लास्ट 10 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ एंड मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए हैं एंड ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में मेरे इनिशियल राउंड्स डीएसए पे हुए हैं। आज भी अगर मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देता हूँ, इनिशियल राउंड डीएसए के होते हैं, विच मीन्स डीएसए इज नॉट डेड, डीएसए इज स्टिल वेरी रेलिवेंट। अगर आपके डीएसए के राउंड अच्छे से नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट ही ना हो। इस वीडियो में मैं आपको डीएसए के रोड मैप के बारे में बताऊंगा, फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ऐसी बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से मैंने डीएसए के राउंड क्लियर किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एआई के आने से डेवलपमेंट में अब एआई काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बट डीएसए आपको खुद ही प्रैक्टिस करना होगा, खुद से ही सीखना होगा, इसीलिए डीएसए आने वाले टाइम में भी रेलिवेंट होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। डीएसए को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स को समझेंगे। स्टेप टू में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डीएसए को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ एंड आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, 500 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। स्टेप थ्री में मैं आपको बताऊंगा कि डीएसए की हेल्प से कैसे आप एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। हम वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आप हायरिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन मैं आपको कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो अभी हायर कर रही हैं, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो आप इजीली हायरिंग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसे एंड तक ज़रूर देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डीएसए सीखने से पहले आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि आपका एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिंपल सर्च एल्गोरिदम लिखते हैं, एरे में अगर आपको एक एलिमेंट सर्च करना है, लेट्स से अगर आप बिलियन आइटम्स में सर्च कर रहे हैं, तो सिंपल सर्च एल्गोरिदम 11 डेज ले सकता है सर्च करने के लिए, कंपेयर टू बाइनरी सर्च सिर्फ 32 मिलीसेकंड लेगा। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 11 डेज में एंड 32 मिलीसेकंड में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि आपने जो एल्गोरिदम लिखा है वो कितना ज़्यादा टाइम लेगा, कितनी जल्दी सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। जब भी आप डीएसए का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है, ब्रूट फोर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ब्रूट फोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बट आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। डीएसए में इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे एरेज, लिंक लिस्ट, क्यूज, टैग्स, स्ट्रिंग्स को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज स्ट्रिंग्स पे भी डीएसए के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सीखने होंगे एंड इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे एरेज पे सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, ट्रीज पे ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स होते हैं, ग्राफ्स पे पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम होते हैं। तो जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, आपने उस डेटा स्ट्रक्चर पे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम भी सीखना है। एल्गोरिदम्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम होते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, ट्रैवर्सल, रिकर्जन, डिवाइड एंड कंकर, तो काफ़ी सारे टाइप्स के एल्गोरिदम होते हैं। आपने इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स पे फोकस करना है। डिटेल्ड रोड मैप आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स फाउंडेशन होती है डीएसए की, उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। आप लीड कोड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लीड कोड इन माई ओपिनियन बेस्ट प्लेटफॉर्म है डीएसए के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी, अराउंड 500 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 500 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे बिकॉज डीएसए काफ़ी ज़्यादा वास्ट है एंड हर एक कंपनी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछती है। जैसे गूगल ग्राफ्स पे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एरेज पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, कुछ कंपनीज रिकर्जन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछती हैं, इसलिए आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। गीक्स फॉर गीक्स पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक काफ़ी अच्छा ब्लॉग है गीक्स फॉर गीक्स पे जहाँ पर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मैंशनड है। उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जरूर चेक कर लेना। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। इंटरव्यू बिट पे आपको इंटरव्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। हैकर अर्थ पे हायरिंग चैलेंजेस आपको मिल जाएंगे। आप फ्री में हायरिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का यूज करके
अच्छा स्कोर करते हैं हायरिंग चैलेंजेस में तो आप इजीली इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। मेरे एक फ्रेंड ने 18 लाख का पैकेज क्रैक किया था यूजिंग हैकरअर्थ हायरिंग चैलेंज। इवन अमेज़न की टेस्ट असाइनमेंट भी हैकरअर्थ पे होती है, तो आप हैकरअर्थ के हायरिंग चैलेंजेस जरूर देख लेना, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप हायरिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशंस में अच्छा रैंक करते हैं तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आपको कॉन्टैक्ट करेंगी। इवन आप अपनी अचीवमेंट्स को रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग्स को ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अमेज़न हायर कर रही है, आप अमेज़न के करियर पेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट गूगल भी हायर कर रही है, तो आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कंपनीज आपसे असाइनमेंट शेयर करेंगी, ये डीएसए की असाइनमेंट होंगी, तो आपको डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इंटरव्यूज के लिए भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज, रोड मैप्स, हायरिंग चैलेंजेस, इवन करियर पेजेस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से चेक कर लेना। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करना। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना।